बीच बड़ी खबर मिल रही है यूपी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। वो पहले अपने दर्शकों को बता दें कि उपचुनाव को लेकर बीजेपी का ऐलान, गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने अमन गिरी को प्रत्याशी बनाया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। गोला गोकर्णनाथ से बीजेपी ने अपने पत्ते उतार दिए हैं। आपको बताया उपचुनाव को लेकर बीजेपी का ऐलान, गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी उम्मीदवार। अजीत हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अजीत, गोला गोकर्णनाथ सीट से अमन गिरी उम्मीदवार बनाए गए बीजेपी की तरफ से। देखिए बिल्कुल, ये वो सीट थी जिसमें बीजेपी के विधायक थे अरविंद गिरी, जिनकी मौत हो गई थी, उसके बाद ये सीट खाली थी और निर्वाचन आयोग ने इसकी तिथि 3 नवंबर रखी है मतदान की और 6 नवंबर काउंटिंग की। तो बीजेपी ने अमन गिरी यानी अरविंद गिरी के परिवार से ही, उनके घर से ही उनके बेटे को टिकट दिया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने विनय तिवारी, जो पिछली बार लड़े थे अरविंद गिरी के मुकाबले और 55,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था, उन पर फिर से दांव लगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से 3 प्रत्याशी में घोषणा की गई अलग अलग राज्यों से, हरियाणा, तेलंगाना और यूपी। यूपी की जो गोला गोकर्णनाथ की जो सीट है वहां से अमन गिरी प्रत्याशी होंगे और बीजेपी पूरी ताकत लगाएगी। और आज देखिए उनकी बैठक भी हो रही है स्थानीय निकाय को लेकर, कल भी कोर कमेटी की बैठक हुई थी, तो उसको लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़े क्योंकि उपचुनाव भी बीजेपी जीतना चाहती है। आपने देखा लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था तो आजमगढ़ और रामपुर दोनों सीटें बीजेपी ने जीत हासिल की थी और अब 80 सीटों की तैयारी कर रही है। तो अब गोला गोकर्णनाथ की जो सीट है वहां से बीजेपी की तरफ से अमन गिरी, जो अरविंद गिरी के परिवार के हैं, उनको टिकट दिया गया है। बिल्कुल अजीत, गोला गोकर्णनाथ सीट की अगर बात करें, सियासी समीकरण की बात करें तो किस प्रकार से है, और अमन गिरी की बात करें तो वहां पर इनकी पैठ कैसी है? देखिए बिल्कुल, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड है और यहाँ से इनके परिवार के ही जो अरविंद गिरी थे वो विधायक थे, उनकी देहांत हुआ अभी कुछ दिन पहले हार्ट अटैक से, तो उनको टिकट दिया गया और अच्छा खासा वहाँ पकड़ रखते हैं। क्योंकि लखीमपुर खीरी की जो सीटें हैं ज्यादातर योगेश वर्मा से लेकर या फिर अजय मिश्रा टेनी की बात करें, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, बीजेपी का अच्छा खासा दबदबा वाला इलाका है, तो लिहाजा इनका बैकग्राउंड भी ठीक है। और जो वोट आप परसेंटेज है, जो पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं, जो सामान्य वर्ग की बात करते हैं, बीजेपी के लिए मजबूत स्थिति है। और देखिए 55,000 वोटों से समाजवादी पार्टी को 2022 का लोकसभा जो विधानसभा चुनाव था उसमें विनय तिवारी को हार का सामना करना पड़ा था, हालांकि विनय तिवारी को फिर समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। काफी रोचक और दिलचस्प मुकाबला होगा।